हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे बीएड का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक है वेज टू रिड्यूस ओबेसिटी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ ओबेसिटी और ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एक पर्सन जो है वो ओबीस हो जाता है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिनको हम यूज़ करके ओबेसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ में शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। सबसे पहला पॉइंट है एक्सरसाइज। आई थिंक एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो वेट लूज करने में, ओबेसिटी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वर्कआउट इज़ दी बेस्ट वे टू रिड्यूस दी वेट। अभी मैंने आपको ये बात बताई है कि वर्कआउट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट को, ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए। एन इंडिविजुअल कैन डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द डेंजर ऑफ ओबेसिटी। अगर हमने अपने आप को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे आपका वेट थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हो जाता है तो आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज में आप क्या क्या कर सकते हो? योग कर सकते हो, फैट बर्निंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में अटेम्प्ट करके अपने आप को ओबेसिटी से बचा सकते हो। इसके अलावा आजकल तो बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप जिम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। जिम ट्रेनर के अंदर रह के आप जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके वेट को रिड्यूस करने के लिए। इसलिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वेट को लूज़ करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉक। एक्सरसाइज ज़रूरी है, साथ साथ में वॉक करना भी ज़रूरी है। वॉक इज़ एन अनदर वे टू गेट कंट्रोल ओवर दी ओबेसिटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो बहुत सारी कैलोरीज जो है वो बर्न आउट हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम वॉक करते हैं हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज जो हैं वो बर्न आउट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जिसका हमें रिज़ल्ट मिलता है कि जो जितनी भी फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हुई होती है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, जितनी भी फैट इकट्ठी हुई होती है ना, वो फैट जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट वैनिशिंग, वो बॉडी में से बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है, वैनिश हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने डिफरेंट मेजर्स ज़रूर ऑप्ट किए होंगे अपनी लाइफ में वेट को रिड्यूस करने के लिए, जिसमें वॉकिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव मेजर है अपने वेट को आप कंट्रोल करने के लिए और ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपका वेट कंट्रोल हो गया तो ओबेसिटी डेफिनेटली रिड्यूस आउट होगी ही होगी। इसलिए ये सारी मेजर्स जो हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी का मतलब है कि आपने बैठे ही नहीं रहना हर टाइम पे, कुछ ना कुछ आपने करते रहना है। अब सपोज़ करो आपने अपने घर से जाना है, अपने स्टेशनरी का सामान लेने के लिए जाना है, शॉप जो है वो आपके घर से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। अब आप के लिए क्या चीज़ बेटर है? आप पैदल चल के जाओ, 5 मिनट की दूरी है, कितना टाइम लगेगा 5 मिनट जाने में, 5 मिनट आने में? 10 मिनट में आप ये काम कंप्लीट कर लोगे, लेकिन आप क्या करोगे? एक्टिवा पे जाओगे, क्योंकि पैदल चलने की तो आप में हिम्मत नहीं है, जिस वजह से किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी लाइफ का पार्ट नहीं होती। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। ये 5 मिनट का ही चाहे रास्ता है, लेकिन अगर आप पैदल जाते तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता। इसलिए वेट को, ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। चाहे आप डांसिंग स्टार्ट कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, जॉगिंग पे चले जाइए, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी का पार्ट हैं। जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, तब पहले भी हमने बात की है, कैलोरीज जो है वो हमारी बॉडी में बर्न आउट होनी स्टार्ट होती हैं, जिस वजह से कैलोरीज की डेफिशिएंसी आ जाती है हमारी बॉडी में। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी आ जाती है, जिसको कहा गया है कैलोरी डेफिसिट, मतलब जो कैलोरीज हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। अल्टीमेटली जो फैट का कंटेंट है वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम अपने वेट को रिड्यूस कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है
हमारे पास डाइटिंग. डाइटिंग जो है आई थिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है वेट को, ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए. इसलिए हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए एक्सरसाइज के साथ साथ डाइटिंग का. ये नहीं है कि आप अकेली डाइटिंग ही करते रहो, एक्सरसाइज वगैरह ना करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको. ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा मेजर यूज़ कर सकते हैं? एक्सरसाइज विद डाइटिंग, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं. लेकिन आपने स्टार्वेशन में इंडल्ज नहीं होना, स्टार्वेशन को आपने फॉलो नहीं करना. स्टार्वेशन का मतलब होता है कि भूखा रहना सारा सारा दिन, उस चीज़ को आपने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना. डाइट करनी है करिए, थोड़ा बहुत खाना आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 meals a day ज़रूर लेनी है. क्योंकि अगर आप भूखे रहोगे, 1 meal skip कर दोगे, 2 meal skip कर दोगे, तो उसका हमारी हेल्थ के ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा. नो डाउट आप वेट लूज़ कर लोगे, लेकिन और बहुत सारे इफ़ेक्ट जो हैं वो हमारी बॉडी में आ जाएंगे. इसलिए डाइटिंग करिए. डाइटिंग में आप क्या करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, पल्सेस खाइए, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. इन सभी चीज़ों का जब आप यूसेज करना अपनी लाइफ में स्टार्ट कर देंगे, तो ओबेसिटी जो है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाएगी. आगे है कंट्रोल ओवर जंक फूड इनटेक. जंक फूड का इनटेक भी आपको कम कर देना है. मैं जानती हूँ कि कम्प्लीटली तो इसका रिड्यूस नहीं हो सकता इनटेक, लेकिन कुछ लेवल तक इसका जो इनटेक है वो आपको कम करना होगा. क्योंकि जंक फूड आपको पता है बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है, ऑयली बहुत ज़्यादा होता है, स्पाइसी बहुत ज़्यादा होता है. तो ये जो है वो आपके वेट लॉस की जो जर्नी है उसको रोकेगा. इसलिए आप जो है इसका जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, ताकि आप जो वेट है वो ईजिली लूज़ आउट कर पाएँ. नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस द इनटेक ऑफ शुगर. शुगर भी जो है वो वेट को बढ़ाता है, इसलिए एक पर्सन जो है वो शुगर के कंजम्पशन को कम कर दे. ड्रास्टिक चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे जब आप शुगर का इनटेक कम कर देंगे अपनी लाइफ में. इंस्टेड ऑफ शुगर यूज़ जैगरी. जैगरी होता है गुड़. आप शुगर की जगह गुड़ वगैरह जो है वो खाना स्टार्ट करें. ये भी आपको उतना ही मीठा प्रोवाइड करेगा जितना शुगर. इसके कोई हेल्थ के लिए नुकसान नहीं है जितने नुकसान आपको शुगर के मिलेंगे. नेक्स्ट है मॉनिटर योर वेट रेगुलरली. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने वेट लॉस की जर्नी को सक्सेसफुल करने के लिए. इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप क्या करें कि डायरी लगाएं एक, उसके ऊपर अपना पूरा वेट लॉस जर्नी का रिकॉर्ड रखें कि कब आपने स्टार्ट किया और क्या क्या चेंजेस आपने महसूस किए. अगर हो सके तो डेली बेसिस पे, नहीं तो वीकली बेसिस पे अपना वेट ज़रूर चेक करें. चलो रोज़ तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हफ्ते में एक बार ही ज़रूर चेक करें कि वीक 1 में मेरा वेट कितना था, 2 में कितना है, 3 में कितना है. इस तरह जो है वो पर्सन को हेल्प मिलती है अपना वेट, अपनी ओबेसिटी रिड्यूस करने के लिए. सो दैट वन कैन नो द लेवल एंड वर्क अकॉर्डिंगली, ताकि पता चल जाए कि आपका वेट एक्चुअल में है कितना और आपने कितनी इंटेंस वर्कआउट करना है, कितनी डाइटिंग करनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है उसको डिसाइड कर पाओ. इसलिए अपनी जो आपकी वेट लॉस की जर्नी है उसको रेगुलरली चेकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बी कंसिस्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट है बी कंसिस्टेंट. इसमें आपको यहाँ पे कोट नज़र आ रही होगी, डू नॉट गिव अप. आई नो कि बहुत सारे लोग अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, ओबेसिटी रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने की वजह से वो इस जर्नी को रास्ते में ही छोड़ देते हैं. अगर आप ऐसा करोगे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. जितना भी आपने वेट रिड्यूस किया है वो सारा चला जाएगा, वेंट इन टू वेन, गड्ढे में चला जाएगा, और फिर से दोबारा आपको उतनी ही मेहनत करनी होगी. सपोज़ करो आपने, आपका वेट 60 kg था, आपने बहुत मेहनत की, एटलीस्ट आपने अपना वेट जो है 55 kg कर लिया, फिर आपने एक्सरसाइज करनी ही छोड़ दी. अब 55 kg से आपका वेट जब बढ़ेगा ना, वो सीधा बढ़ के हो जाएगा 65 kg. एक्सरसाइज करने से वेट अगर रिड्यूस होता है, एक्सरसाइज जब आप छोड़ देते हो ना, तो उससे जो ओबेसिटी आती है, मोटापा आता है, वो डबल आता है. इसलिए पहले कहाँ आपका वेट 60 था, आपने 55 किया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, फिर कितना वेट हो जाएगा आपका 65 kg. इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है हमारी लाइफ में. इसलिए आप अपनी इस जर्नी को बिल्कुल भी स्टॉप ना करें, क्योंकि अगर आपने इसको स्टॉप कर लिया तो आपका वेट जो है वो दोबारा से इंक्रीज़ हो जाएगा. इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें. ओबेसिटी के क्वेश्चन में आप इसको ज़रूर लिखेंगे. फिर है रिड्यूस स्ट्रेस.
ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए ना अपनी एंजाइटी, अपना स्ट्रेस जो है वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आज की लाइफ में आपको पता है कॉम्प्लिकेशंस कितनी ज़्यादा हैं, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से जो है वो पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स होने की वजह से उसको स्ट्रेस बहुत होता है। स्ट्रेस होने की वजह से उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर कुछ लोगों का वेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, कई ओवर ईटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हर टाइम वो कुछ ना कुछ खाते रहें, उनको मंचिंग की आदत पड़ जाती है। तो जब आप अब ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो खाना खाओगे तब डेफिनेटली आपका वेट जो है वो बढ़ेगा। इसलिए आज के टाइम में स्ट्रेस रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस को आप रिड्यूस कर सकते हो बाय स्टेइंग हैप्पी, हमेशा खुश रहो ताकि आप अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाओ, जिसका अल्टीमेटली आपको इफ़ेक्ट मिलेगा, आपका जो वेट लॉस है वो जर्नी बिल्कुल स्मूथली चलती रहेगी और इस तरह आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अपने ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए। सो यहाँ पे आपका जो फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया है, जिसमें आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओबेसिटी और व्हाट आर दी कॉजेज और कैसे आप अपने आप को ओबेसिटी से बचा सकते हो। फुल फ्लेज क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और यहाँ पे पीछे मैंने पॉइंट्स फिर से जो है कंबाइन करके रख दिए हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, अगर हेल्पफुल थी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें।